हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलिमिटेड गल्पों। तो मेरे अनदर डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ब्लॉग से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्यों मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, क्यों मम्मा किचन में नहीं आ रहे थे एंड सब कुछ। फाइनली आज से चीज़ें नॉर्मल हो रही है, लाइक मम्मा फिर से किचन में काम करेंगे, जो उनका डेली रूटीन है सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो हम दोनों ने मिलके ही आज का टिफ़िन भी बनाया है एंड अब मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाली हूँ, तो बना ले रही हूँ खुद के लिए एग टोस्ट। नाश्ता कंप्लीट करके अब निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। चेहरे पे भले ही खुशी है लेकिन आंखें आज भी भारी भारी सा ही लग रहा है। इतना सारा काम अचानक से करना, रात को नींद नहीं होना काफ़ी रीज़न है। एनीवेज रास्ते में पी लिया ऑरेंज जूस क्योंकि काफ़ी मुझे वीकनेस सा लग रहा था एंड ऑफिस पहुँचते ही ना सभी को भूख लगा था। वैसे तो हम रोज़ नाश्ता करके ही ऑफिस आते हैं लेकिन कभी कभी होता है ना, एक को भूख लगा तो सबको भूख लगता है टाइप्स। तो हम लोगों ने मंगा लिया था बर्गर। पता है सुबह से तो सब कुछ सही ही चल रहा था, अचानक 12 बजे कॉल आ जाता है कि मम्मी पापा एंड भाई अचानक से गांव जा रहे। वो तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि मम्मा गांव जाने वाले हैं लेकिन कोई डेट डिसाइडेड नहीं था, इसीलिए मैं भी ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद कुछ 12 बजे कॉल आता है कि अचानक से जा रहे। अब मैं भी कुछ कर नहीं सकती थी एंड मम्मा लोग ने भी अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके वो लोग निकल गए। अब रह गई थी सिर्फ मैं एंड मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड का भी नाइट शिफ्ट है और मैं अकेले रात को घर पे नहीं रह सकती थी, तो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, दो दिन के लिए अपने मम्मा के घर हो आओ। मायका ना मेरे ससुराल एंड ऑफिस के ठीक बीच में है, इसीलिए मैंने मेरे सिस्टर को भी बुला लिया कि चल। तो मैं लाल मिर्ची और ये हरी मिर्ची बन के आई है सी। तो ये है मेरी बहन दीपिका दास। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी अपने मायके जा सकती थी लेकिन क्या है ना, कुछ कपड़े नेसेसरी का सामान सब घर पे ही होता है, तो वही कलेक्ट करने में मेरे सिस्टर को लेके साथ जा रही हूँ। मेट्रो से उतरते ही मेरे सिस्टर डीमार्ट में चली गई, वहाँ से अपने लिए उसने ले लिया एक टी शर्ट एंड देन हम पहुँच जाते हैं घर। तो मम्मी पापा ये लोग अचानक से ही गए थे इसलिए घर भी काफ़ी मेस हुआ था, तो वो सब थोड़ा नीट एंड टैडी करके देन मैंने कर लिया मेरा पैकिंग। फिर निकल के हम दोनों ने कर लिया थोड़ा नाश्ता क्योंकि ऑलरेडी बज चुके थे कुछ 10। वापस मेट्रो पकड़ के अब हम जा रहे थे मेरे घर की तरफ, मीन्स मेरे मायका। तो इतनी रात को मेट्रो इतना खाली देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम विश कर रहे थे कि रोज़ सुबह भी इतना ही खाली रहे तो कितना अच्छा होगा ना। एनीवेज ये देखो मलाड में रात को 10:30 बजे भी इतने लोग घूम रहे एंड यही अगर बोरीवली में देखोगे ना तो अब तक तो सब सो चुके। दीपली में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की बात कर रही हूँ, वहाँ तो 9:30 बजे से ही लोग कम हो जाते हैं, तो यहाँ मुझे यही बहुत पसंद है कि रात को 10, 10:30, 11 बजे भी आपको रास्ते पे इतने लोग दिखेंगे। बस घर पहुँच के फ्रेशन अप होके खाना खा के व्लॉग एंड करूँगी। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय।